अगर ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से डोनट्स। जी हाँ, सभी को पसंद आने वाले डोनट्स। तो ये देखिए, डोनट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप ल्यूक वार्म यानी कि हल्का गर्म दूध ली हूँ और इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर यानी शक्कर पीसी हुई और 1 चमचा ईस्ट। 1 छोटा चमचा मैंने इसमें ईस्ट मिला दिया। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला के 10 मिनट मैंने रख दिया। ये देखिए, 10 मिनट में बिल्कुल अच्छे से ईस्ट हमारी फर्मेंट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर। मक्खन का मैंने मेल्ट कर लिया था, उसके साथ ही 1 अंडा, और इसे भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ 3 टेबल स्पून 3 बड़े चमचे पाउडर मिल्क खुश्क दूध। इससे जो है डोनट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से मिल्की से डोनट्स बनते हैं। अब आखिर में मैं मिलाऊंगी मैदा। मैदा मैंने 2 कप ली हूँ, तो ये मैदा हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे। तो अभी मैंने आधा कप मैदा मिलाया, ये आधा कप और मिला दी मैंने, और इसके साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप दूध। तो टोटल 2 कप मैदे में हमने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। आधे कप में हमने ईस्ट मिलाई थी और आधा कप यहाँ पर मैंने अभी मिला दी। ये देखिए, आधा कप दूध मिला दिया मैंने। अब बाकी बचा हुआ मैदा जो 1 कप बचा है वो भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिला देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है डोनट्स का बैटर तैयार हो रहा है। तो अगर भी आप भी इसी तरह करोगे तो आपके भी डोनट्स बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे और खाने में बहुत ही लाजवाब होंगे। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। ये पूरा आखिर में मैदा डाल दिया। तो टोटल 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। अब चलिए इसे हम काउंटर पर डालते हैं और इसे अब इसे हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे इस तरह करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 से 2 चमचे आप जो है मैदे का इस्तेमाल कर सकते हो और इसे बिल्कुल अच्छे से आप इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए, जब आप इस तरह करोगे तो इसे बहुत ही अच्छा ग्लूटिन फॉर्म होगा और आपके जो डोनट्स हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। बैटर को आप ज़्यादा सख्त ना रखें फ्लावर के आटे को, नहीं तो आपके डोनट्स जो है वो अंदर से ड्राई और खुश्क और हार्ड होंगे। तो बस इसी तरह से सॉफ्ट से आटा तैयार कर लें। ये देखिए, बिल्कुल नहीं फट रहा है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब इसे हम रख देते हैं रेस्ट के लिए। तो अगर सर्दियां हैं तो आप इसे ज़्यादा रखें और गर्मी है तो 1 घंटा काफ़ी है। तो जब तक ये डबल वॉल्यूम में अपने नहीं हो जाता हम इसे साइड में रख देते हैं। तो फिलहाल मैं इसे 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। ये लीजिए, अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसे 1.5 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटा हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये फॉर्म हो चुका है। ये देखिए, डबल हो चुका है अपने वॉल्यूम में। ये देखिए, चलिए अब इसे निकालते हैं हम। और अब इसे सिर्फ ज़्यादा नहीं, इसे 1 मिनट के लिए इसे हम इस तरह से मसल लेंगे दोबारा से ताकि जो इसमें एयर थी वो निकल जाए। तो ये देखिए, बस हल्के हाथ से करते जाएंगे, 1 मिनट काफ़ी होगा। अब चलिए इसके हम डोनट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं डोनट्स बनाने के लिए इसे बेल नहीं रही हूँ, इसी तरह हम बनाएंगे डोनट्स। देखिए, मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। तो बस इस तरह से इसके हम पीसेस कर लेंगे, तकरीबन 8 पीसेस कर लेंगे। 2 कप मैदे में हमारे 8 डोनट्स बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप कर लें और बस 1 पीस को उठाएंगे और इसका हम छोटा सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। बस ये हो गया हमारा परफेक्ट। इसी तरह से तमाम डोनट्स के हम जो छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। इसे यहाँ पर बेलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको डोनट्स कटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, इस तरह से पूरे आप बॉल्स तैयार कर लें, परफेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 1 बॉल ली और इसे थोड़ा सा हाथ उंगलियों से फ्लैट कर लेंगे हल्के से, और एक कोई भी छोटा सा बॉटल का ढक्कन लेंगे और ये दरमियान में डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा डोनट्स तैयार है बिगर डोनट्स कटर के। तो बस इसी तरह आप भी करें, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी से डोनट्स तैयार होंगे। तो ये देखिए, ये डोनट्स हम इस तरह से पूरे तैयार कर लेंगे और इसे दोबारा से हम 20 से 30 मिनट यानी 30 मिनट्स के लिए मैंने इसे रख दिया था। और अब इसे हम मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे, ज़्यादा गर्म तेल नहीं लेंगे। अगर ज़्यादा गर्म लोगे तो डोनट है फौरन जो है आपके वो लाल हो जाएंगे। तो हमने मीडियम
हॉट ऑयल लिया है और इसे अलग पलट करके बिल्कुल प्यारा सा कलर आने तक इसे फ्राई करें। ये देखिए बहुत ही लाजवाब से हमारे डोनट्स तैयार हैं। तो बस आप इस रेसिपी को ज़रूर पूरी फॉलो करना, तो आपके भी इंशाल्लाह डोनट्स बहुत मज़े के बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर ली हूँ, शक्कर को मिक्सी में डाल के पीस लिया और इस तरह हम इसे डस्ट कर लेंगे। इसे अलग अलग तरीके से आप अपने मनपसंद तरीके से इसे गार्निश कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट में एक चम्मच क्रीम डाल के मेल्ट कर ली थी माइक्रोवेव में और इसको हम स्प्रिंकल से गार्निश कर देंगे। ये देखिए स्प्रिंकल्स, उसके साथ ही आप जैसा चाहें वैसा इसे गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइट चॉकलेट की शेविंग ली हूँ और इसे हम डाल रहे हैं। ये देखिए और डाल दी मैंने, बहुत ही लाजवाब लगते हैं ये। इसके साथ ही यहाँ पर ये सिल्वर बॉल्स मिलते हैं रेडीमेड मार्केट में, इससे भी आप इसे गार्निश कर सकते हो। और ये देखिए मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट की थी और व्हाइट चॉकलेट के ऊपर हम इस तरह से चॉकलेट स्प्रिंकल डाल सकते हैं। ये मैंने इस पर चॉकलेट स्प्रिंकल डाल दिया, बड़ी आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल है या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ये वाइट चॉकलेट को मैंने थोड़ा सा एक चम्मच क्रीम डाल के मेल्ट कर लिया था और इस तरह से आप कोई भी जिप लॉक बैग में डाल के इसका कोन तैयार करके इस तरह गार्निश कर सकते हो। ये डाल दी मैंने इस पर कलरफुल स्प्रिंकल। तो देखा आपने कितना आसान था डोनट्स बनाना। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें, साथ में हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।